इंडियन सिनेमा से लगातार 4 साल दूर रहने के बाद शाहरुख खान ने कमबैक किया है। उनकी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर फिल्म पठान आई थी, उसके बाद जवान, वो उससे भी बड़ी ब्लॉकबास्टर। अब शाहरुख खान आ गए हैं लेके अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी। इसका ट्रेलर यूट्यूब पे रिलीज हो चुका है जो तहलका मचा रहा है, जिसका टोटल रन टाइम 3 मिनट 2 सेकेंड है। इस ब्लॉकबास्टर होने वाली फिल्म के डायरेक्टर किसी भी प्रकार के तारीफ के मोहताज नहीं है। अगर आपने 3 इडियट, लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS, PK और संजू जैसी ब्लॉकबास्टर फिल्में देखी होंगी तो आपने ज़रूर एक नाम सुना होगा, राजकुमार हिरानी। जी हाँ, ये उनकी फिल्म है डंकी, जिन्होंने बॉलीवुड या फिर मैं कहूँ पूरे इंडियन सिनेमा की काया पलट दी। जब भी उन्होंने कोई फिल्म बनाई वह उस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में होती थी। उतनी कमाई करने वाली उस साल की कोई भी फिल्म नहीं होती थी। और इनकी फाइनली ये भी 4 सालों के बाद, संजू 2018 में आई थी और 2023 में, लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। इसका क्लैश है भैया पूछो मत, डायनासोर, जंगल के डायनासोर सलार के साथ। मज़ा तो आएगा दोस्त। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म 4 दोस्तों की कहानी है जो इंडिया से लंदन जाना चाहते हैं, इसी पे बेस्ड है। लेकिन इसमें इस फिल्म को किस तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से इसका डायरेक्शन है, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये कहानी 1995 की है, जब हार्डी मतलब शाहरुख खान जो दिल्ली से पंजाब लालटू शहर आते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं जो उनके जल्द में दोस्त बन जाते हैं, और उन लोगों का एक सपना है इंग्लैंड जाना है। ये मूवी मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में पूरी ये कहानी बिल्डअप होगी कि ये लोग लंदन जाएंगे कैसे, और सेकेंड हाफ के पहले इंटरवल में मुझे लगता है इसमें विकी कौशल की डेथ हो जाती है। इमोशन, कॉमेडी और एक्शन का पूरा तड़का राजू हिरानी ने इस फिल्म में, एक ही फिल्म में डाल दिया है अगर मैं कहूँ तो। और भाई साहब मज़ा तो आएगा, क्योंकि बहुत ही दिनों बाद ऐसी कोई मूवी सिनेमा में रिलीज हो रही है जिसमें ये इमोशन, कॉमेडी और एक्शन एक साथ हो, वो भी शाहरुख खान की मूवी, और मज़ा ना आए मतलब ही नहीं बनता। इस फिल्म का बजट 125 करोड़ रखा गया है, जो सलार के बजट का लगभग 50% है। और जब किंग खान और राजकुमार हिरानी जैसे महान डायरेक्टर और एक्टर एक साथ आते हैं तो सिनेमा में तहलका मचना तो लाजमी है। और इस टाइम एक सिनेमा मूवी रन कर रही है एनिमल, पूरी वल्गर, मतलब इतनी घटिया, समाज को इतना बुरा संदेश देने वाली मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। एक 12 साल का लौंडा है, गन लेके कॉलेज में घुस जाता है अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, ये अच्छी बात है। हीरो हीरोइन से बोलता है मेरे जूते चाट, ये अच्छी बात है। अगर समाज को ये चीज़ें पसंद हैं तो समझ लो ये कि समाज एकदम अपने निचले स्तर पर इस समय जी रहा है। और ये जो डंकी मूवी है ये फुल फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है, मज़ा आएगा। और जब आप ये मूवी देखोगे ना तो आपको एक जर्नी का एहसास होगा, लगेगा कि आप एक जर्नी पे हैं जिसमें इमोशन है, एक्शन है, कॉमेडी, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे लगता है एक फैमिली मूवी होगी कि आपको अपने परिवार के साथ ही मूवी देखनी चाहिए। और ओवरऑल कहूँ तो बेस्ट होगी मूवी, क्योंकि इसका ट्रेलर उतना, जितना इसका हाइप था लेकिन उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डाउन है। राजकुमार हिरानी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। खैर मज़ा तो आने वाला है, क्योंकि इसका क्लैश जो है सलार के साथ है। आपको ये कैसा ट्रेलर लगा मुझे बताएं कमेंट में। और हाँ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना मन में आए तो डिसलाइक करो, और कमेंट में मुझे कुछ भी कहो, बस कहो कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। ओके, थैंक यू।